हेलो दोस्तों, मैं विवेक मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल विवेक मिश्रा स्टडी चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तीन के तीनों वीडियो पढ़ाता हूं साथ साथ। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 8 के बारे में। एक्सरसाइज 7 तक आपने खूब बढ़िया से पढ़ा, तो एक्सरसाइज 8 में आप देखेंगे एक्सरसाइज 8 में क्या होता है। सुनिएगा, एक्सरसाइज 8 की बात करेंगे हम। एक्सरसाइज इसमें अभी तक आपको क्या मिल रहा था, अभी तक कि कुछ इस प्रकार मिल रहा था। जैसे आपको दिया गया था MdS plus NdY equal to 0 के रूप में, इस प्रकार अगर मिलता था, मान लीजिए कोई फंक्शन होता था कि fxy dx plus fxy dy equal to 0, इस प्रकार होता था। तो और यदि mx इक्वल टू ny मिल जाता था, या आप निकालते थे जब इसमें क्या निकालते थे, जब आप निकालते थे डेल एम अपान डेल एक्स, ओ सॉरी डेल एम अपान डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपान डेल एक्स, जब मिल जाता था तो एग्जैक्ट होता, जब एग्जैक्ट होता था आप डायरेक्ट रख के देख लेते थे, इसका इंटीग्रेशन कर लेते थे। बट अगर वह एग्जैक्ट अगर इक्वल ना आए तो क्या होगा। एक्सरसाइज 7 जो देखेंगे उनको पता होगा क्या क्या मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ एक तरफ से वीडियो देखिए। तो अगर यह एग्जैक्ट नहीं हुआ, जैसे आपको क्वेश्चन जो मिलेगा कुछ इस टाइप का मिलेगा, एफ एक्स वाई वाई डी एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स वाई, मतलब ये फंक्शन बता रहा है, एक्स वाई का कोई भी फंक्शन हो सकता है, एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो कुछ इस प्रकार मिलेगा। हम इसको पूरे को यह मान लेते हैं, इस पूरे को यह मान लेंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है। चलिए फिर हम देखते क्या है, जब हम देखते हैं एम एक्स माइनस एन वाई इक्वल टू नॉट डज नॉट इक्वल टू जीरो, या तो ऐसा निकालिए या तो हम कुछ ऐसा देख लेते हैं कि डेल एम अपान डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपान डेल एक्स करते हैं। अगर यह इक्वल नहीं आता है, पूरा रूल समझिएगा, अगर यह इक्वल नहीं आता है ये, तब हम निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर जानते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पर क्या निकालेंगे, वन अपान एम एक्स माइनस एन वाई, वन अपान एम एक्स माइनस एन वाई, एम की वैल्यू जो होगी हम रख देंगे, एक्स माइनस एन वाई जो भी वैल्यू आएगी उसी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब सॉल्व कैसे करना है क्वेश्चन, नोट कर लिए मेथड, समझ में आया। अभी तक क्या होता था, डायरेक्ट हमारा इसको इक्वल हो जाता था, बट अब इक्वल नहीं हो रहा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, क्वेश्चन हमारा है, ध्यान देंगे, क्वेश्चन हमारा है, देखिए जितने लोग पढ़ रहे हैं आप लोग सबकी बुकें अलग अलग होंगी, किसी किसी की भले ही मिलती होंगी सबकी अलग अलग होंगी, लेकिन मेथड सब में एक ही रहता है, इसलिए मैं कहता हूँ यूनिवर्सल मेथड पढ़िए। बस मेथड आप में वही रहेगा, क्वेश्चन डिफरेंट दिए रहते हैं, इसीलिए कहता हूँ मेथड समझिए। ये दिए गए नहीं, फंक्शन ऑफ एक्स वाई क्या है, वाई डी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई एक्स डी वाई, उसके रूप में हुआ, समझ में आया। सिर्फ अब देखते हैं यम की वैल्यू क्या होगी यहां पर और यन की वैल्यू क्या होगी, ध्यान समझिएगा। यम की वैल्यू यहां पर क्या है, इतनी यम की वैल्यू है, और ये क्या है हमारी यन की वैल्यू, ये क्वेश्चन हमारा, यम बराबर क्या है यहां पर, वन प्लस एक्स वाई इंटू वाई, और यन बराबर क्या है, वन माइनस एक्स वाई इंटू एक्स, ये ठीक। अब हमने आपको क्या बताया था कि एम एक्स माइनस एन वाई कर लीजिए, या फिर वन अपान एम एक्स माइनस एन वाई कर लीजिए, ये तो करना, पहले इसको देख लीजिए एग्जैक्ट आ रहा है कि नहीं, अगर ये एग्जैक्ट आएगा तब आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं निकाला, अगर एग्जैक्ट नहीं आएगा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के आपको एग्जैक्ट बनाना होगा। पहले कैसे निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो सॉरी एग्जैक्ट कैसे करते हैं, पहले डेल एम अपान डेल वाई निकाल लीजिए, ये क्या होगा वाई से पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से कि y प्लस एक्स वाई, इसका जब y मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें x मल्टीप्लाई कर देंगे ये x हो जाएगा, ये x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक,
dy के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन 1 प्लस, इसमें डबल फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो 2xy हो जाएगा प्लस सेकंड फंक्शन y स्क्वायर है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x, x का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में, नहीं तो आप y के रिस्पेक्ट में जब करते हैं ध्यान समझिएगा, 0 हो जाएगा x का इंटू 0, आया कि हमारा 1 प्लस 2xy, ये डेल m अपॉन डेल x है। वहीं पर अगर हम बात कर लें डेल n अपॉन डेल x की, ये डेल m अपॉन डेल y आया, इक्वल क्या बचेगा x के रिस्पेक्ट में, इसका करेंगे 1 माइनस, x के रिस्पेक्ट में करेंगे फर्स्ट फंक्शन हमारा x स्क्वायर है, सेकंड फंक्शन y है, x के रिस्पेक्ट में y करेंगे 0 हो जाएगा, माइनस लगे क्योंकि प्लस होता है बट आगे माइनस है, सेकंड फंक्शन y है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू 2x, ये क्या, ये तुम्हारा 0 हो गया, 1 माइनस 2x हो जाएगा, लिखेंगे हियर डेल m अपॉन डेल y डज नॉट इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x, इक्वल नहीं है, अर्थात हमें इक्वल बनाने के लिए एग्जैक्ट बनाना होगा, अगर ये इक्वल होता तो डायरेक्ट एग्जैक्ट कर लेते और डायरेक्ट हम हल कर लेते, जैसे कि हमने ये आपको करके दिखाना होगा, ठीक, डायरेक्ट हम हल कर लेते जैसे एक्सरसाइज 7 के हम सारे क्वेश्चन किए थे। अब क्या करेंगे जब ये डायरेक्ट नहीं हल हो रहे हैं, क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं, 1 अपान एम एक्स माइनस एन वाई, 1 अपान एम एक्स क्या है, यम हमारा क्या है 1 प्लस एक्स वाई, तो एक्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें क्योंकि एम एक्स है, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एन वाई, एन में वाई का मल्टीप्लाई कर दीजिए, वाई हो जाएगी, एक मिनट कुछ गलती हो रही है इसमें, पहले एम लिखिए, एम क्या हमारा वाई से मल्टीप्लाई कीजिए, इसका पहले एम इतना है हमारा पूरा, क्या हो जाएगा वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, एक्स हमारा रहेगा ही माइनस, एम की वैल्यू क्या है एक्स मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई, फिर आगे हमारा किनारे वाई रहेगा ही, इक्वल टू देखते हैं 1 अपान, जब देखते हैं ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और माइनस का हो जाएगी एक्स वाई, और माइनस माइनस प्लस क्या आएगा प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अर्थात इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या बचा, ये एक्स वाई कट गया, बचा क्या 1 अपार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक, एक से इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लीजिएगा, लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कर लीजिए नोट कर लिए हैं इतना, चलिए अब इसी वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करते हैं, जितना लिखवाते चल रहे हो नोट करते चलिए, हम मिटा दे रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप बाद में ही नोट करें, वन अपान टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आया है इंटीग्रेशन, ये नाम लिखवा दो ना तुरंत नोट कर लिए कीजिए, ठीक, अब इसे मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें क्या हो जाएगा हमारा वाई प्लस एक्स वाई अपान डिवाइड बाई किससे करना है, टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से डी एक्स प्लस एक्स से मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले से, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई डिवाइड बाई एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू जीरो। अब इसको कर ही सकते हैं अगर वन पॉइंट टू कॉमन कर लें हम पूरे में और इसका अलग अलग कर लें, एक बार वाई अपान एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस क्या बचेगा हमारा एक्स वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये डी एक्स लगा लीजिए प्लस इधर करें तो टू तो हम कॉमन लिए ही हैं, क्या बच जाएगा हमारा एक्स अपान एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बीच में माइनस एक्स स्क्वायर वाई अपान एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये डी वाई रहेगा हमारा, क्लियर है, ठीक। अब देखेंगे क्या होगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, एक एक्स के एक एक्स कैंसिल, एक वाई से एक वाई कैंसिल, इधर भी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई से एक वाई कैंसिल, एक्स से एक एक्स कैंसिल, बचे क्या हमारा
टू उधर जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा बच्चे क्या, वन अपान एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स और प्लस यहां पर क्या बचा है वन अपान एक्स डी एक्स प्लस, इधर क्या बचा है वन अपान ये एक से एक एक्स वैल्यू कटी है बाकी वही बचा है एक्स वाई स्क्वायर डी वाई माइनस, ये यहां सिर्फ वाई बचा है, क्या बचा है वन अपान वाई डी वाई इक्वल टू जीरो। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हुई, समझ में आ रहा है? चलिए ध्यान से मत सॉरी ध्यान से ध्यान से देखते रहिए, हम ये क्वेश्चन दो तरीके से सॉल्व कराएंगे, दो तरीके से, ये एक तरीका चल ही रहा है, एक तरीके से और सॉल्व कराएंगे एक ही क्वेश्चन, ताकि आपको कॉन्सेप्ट बढ़िया से क्लियर हो सके। यहाँ से देखेंगे इसको एक इधर लाइए, इसको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ भी मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ भी मिल जाए तो एलसीएम हो जाएगा, तो इसको बनाने के लिए यहाँ पर ऊपर नीचे वाई से मल्टीप्लाई करना होगा, ये क्या हो जाएगा वाई अपान एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस, इसको इधर लाएंगे इसमें एक्स से करना पड़ेगा तो एक्स अपान एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई, ये तो हमारा वन अपान एक्स डी एक्स रहेगा ही माइनस वन अपान वाई डी वाई, ठीक क्लियर। चलिए आगे देखते हैं सेम थोड़ा सा और हल करेंगे, हमारा आंसर आ चुका है। अभी क्या आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये हमारा क्वेश्चन था टोटल, ये हमारा क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ऊपर क्या बचेगा वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, वन अपान एक्स डी एक्स माइनस वन अपान वाई डी वाई इक्वल टू जीरो। यहां पर देख रहे हैं क्या है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन अर्थात डी ऑफ एक्स वाई अपान एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अगर इसका करेंगे फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन ऐसे ही किया जाए प्लस वन अपान एक्स डी एक्स माइनस वन अपान वाई डी। यहां पर क्या करते हैं कुछ मान लीजिए वैल्यू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पुट एक्स वाई इक्वल टू वी, एक्स वाई क्या रख लेते हैं वी, जब एक्स वाई को वी रखेंगे क्या मिलेगा लास्ट में वैल्यू रख देंगे हम आसान से हल करने के लिए, तो डी वी हो जाएगा डी वी अपान वी स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स डी एक्स माइनस अपान वाई डी। हम बार बार बताते हैं जब डी एक्स आए डी वी आए डी वाई आए तो ये सब क्या करते हैं इंटीग्रेशन किया जाता है, क्यों किया जाता है डी अपान डी एक्स अगर रहे तो तब डिफरेंशिएशन किया जाता है, तो वन अपान वी स्क्वायर जब करेंगे इंटीग्रेशन कैसे होगा वी पावर माइनस टू हो जाएगा डी वी प्लस वन अपान एक्स डी एक्स माइनस वन अपान वाई। इसमें क्या होता है एक जुड़ता है तो क्या हो जाएगा वी पावर माइनस टू प्लस वन अपान माइनस टू प्लस वन डी वी प्लस वन अपान एक्स का लॉग एक्स वन अपान वाई का लॉग वाई प्लस लॉग सी कोई कांस्टेंट जोड़ दीजिए लॉग सी। अब आगे देखेंगे ये क्या हो जाएगा वी पावर माइनस वन नीचे आएगा क्या हो जाएगा वी पावर वन और माइनस टू प्लस वन माइनस में हो गया माइनस वन अपान वी ये डी वी नहीं रहेगा जब इंटीग्रेशन कर देंगे वन अपान वी बचा प्लस लॉग। अब हम प्रॉपर्टी जानते हैं लॉग ए माइनस लॉग बी लॉग ए अपान बी अर्थात लॉग एक्स अपान वाई प्लस लॉग सी इक्वल टू हमारा सब जीरो चल रहा था ये जीरो ये भी इक्वल टू जीरो। अब हम अगर देख लें यही हमारा आंसर लिख देंगे या फिर वाई वी को उस साइड में डिफरेंस उस साइड में ले जाएंगे क्या हो जाएगा हमारा अगर हम क्वेश्चन आंसर जो हम किताब के आंसर से मिला है थोड़ा तो ये किताब में आंसर कुछ इस प्रकार दिया गया है कि y को v को उस साइड कर दिया जाएगा log x अपान y ये जो किताब में आंसर दिया गया log c को c से ही कर दिया गया है तो इक्वल टू या प्लस log c ही लिखे रहिए आपका आंसर हमेशा सही होगा कहें कि log c जो है किसी टाइम जोड़ सकते हैं आप वन अपान भी है उस साइड ले जाएंगे वन अपान भी जहाँ क्या रखेंगे एक्स वाई ये वैल्यू हो सकती है।
अगर आपके में ये दिया गया होगा, या फिर इस प्रकार दिया होगा लॉग एक्स अपान वाई इक्वल टू सी प्लस वन अपान एक्स वाई, इस प्रकार आंसर दिया गया होगा। वो इसलिए दिया जाता है आपको सी चाहे जिस साइड जोड़िए आपका आंसर सही होगा, माइनस लॉग सी हो जाएगा कॉन्स्टेंट टर्म में, सी से हम रिप्लेस कर देंगे, ये हमारा आंसर आ गया। नोट कर लीजिए, नोट कर लिए। दूसरा मेथड देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। एक तो मेथड होता है, एक तो मेथड ये होगा कि हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर तक वहां तक सेम रहेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हम क्या करे थे, मल्टीप्लाई किए थे, क्या आया था हमारा वन प्लस एक्स वाई इंटू वाई अपान एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस यहां पर किए थे वन माइनस एक्स वाई एक्स अपान एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू जीरो। यहां तक सब कुछ सेम रहेगा, वाई से वाई कटा एक्स से एक्स कटा, ये दूसरा मेथड बता रहे हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा वन प्लस एक्स वाई अपान एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस, इसको अगर सेपरेट कर लेंगे, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें एक्स वाला नहीं लिया जाता, इसमें सिर्फ कौन कौन सा लिया जाता है, वाई वाला टर्म लिया जाता है बस, ये वाले में। तो वन अपान क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स तो कटा नहीं है, सिर्फ एक्स स्क्वायर में से एक एक्स गया है बस, क्या बचेगा वन अपान एक्स वाई स्क्वायर माइनस ये क्या बचा है एक्स वाई अपान एक्स वाई स्क्वायर करेंगे, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा वाई अपान वाई स्क्वायर, नहीं पूरा लिख लीजिए एक्स वाई अपान एक्स वाई स्क्वायर, एक वाई से वाई कटा एक्स से एक्स कटा डी वाई इक्वल टू जीरो। यहाँ पर देख रहे हैं क्या बन रहा है वन प्लस एक्स वाई अपान एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस वन अपान एक्स वाई स्क्वायर माइनस, ये तो कट गया वन अपान वाई बचा डी वाई इक्वल टू जीरो। अब हम जानते हैं ये किस फॉर्म में बन रहा है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो फॉर्म बन रहा है। जब इस फॉर्म में बनता है क्या लिखते हैं, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इंटीग्रेशन करते हैं इक्वल टू जीरो, ये तो करते हैं। और इसमें क्या लेते हैं, वाई कॉन्स्टेंट लेते हैं, इसमें एक्स लिया ही नहीं जाता है, तो वाई इसमें कॉन्स्टेंट रखता है हमेशा, वाई कॉन्स्टेंट और इसमें x फ्री, मतलब x लिया ही नहीं जाता, ठीक। तो m dx में m का मान क्या है हमारा यहाँ पर, वन प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस n का मान क्या है, n की वैल्यू x वाला जिसमें रहेगा वो तो लिया ही नहीं जाएगा, हट जाएगा, इसमें यार x है नहीं है अर्थात, तो वन अपान y लिया जाएगा, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस वन अपान y है डी वाई इक्वल टू जीरो। अब इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, वन अपान एक्स स्क्वायर वाई अलग कर लीजिए, प्लस एक्स वाई अपान एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पर डी एक्स ले लीजिए, एक्स वाई अपान एक्स स्क्वायर वाई एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा वन अपान एक्स डी एक्स माइनस वन अपान वाई डी वाई इंटीग्रेशन ऑफ वन अपान वाई डी वाई इक्वल टू जीरो, ठीक। अब हम क्या करते हैं, वन अपान एक्स स्क्वायर वाई हमारा इतना बचा है, वन अपान एक्स स्क्वायर वाई। अब हम इसको कैसे करते हैं, वाई इसमें हम क्या रखते हैं, कॉन्स्टेंट रखते हैं वाई को, वाई को कॉन्स्टेंट रखते हैं, तो वाई कॉन्स्टेंट रख दीजिए, एक्स स्क्वायर कर लीजिए, जब एक्स स्क्वायर करते हैं तो माइनस वन अपान एक्स बचता है, ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन जब हटेगा तो वन अपान वाई तो क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट, एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स पावर माइनस एक्स, यही तो करते हैं एक्स स्क्वायर करते हैं, एक्स पावर टू माइनस वन अपान सॉरी एक्स पावर माइनस टू ऊपर चला जाएगा माइनस टू हो जाएगा, वन अपान एक्स स्क्वायर के रूप में है, और प्लस वन अपान माइनस टू प्लस वन, ये क्या हो जाएगा एक्स पावर माइनस वन अपान माइनस वन अर्थात माइनस वन अपान एक्स, तो वन अपान वाई इंटू माइनस वन अपान एक्स, यहाँ क्या बचा प्लस log x माइनस log y इक्वल टू सी, कोई कांस्टेंट जुड़ गया, क्लियर। ये कैसे आ जानते हैं, अब यहाँ पर देख रहे हैं माइनस वन अपान एक्स वाई प्लस log log माइनस log भी क्या होता है log ए पान बी x पान y इक्वल टू सी, या फिर इसे उस साइड ले जाएंगे log x अपान y इक्वल टू सी प्लस वन अपान एक्स वाई, ये रहा इसका दो रूम मेथड, यही इसका आंसर है, दोनों वही आंसर आ रहा है, नोट कर लीजिए। अब हम एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, अगर दूसरा क्वेश्चन भी समझा देंगे आप पूरा का पूरा जो
हमारा एक्सरसाइज एट है, आराम से सॉल्व कर पाएंगे। फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लिए, बहुत अच्छे। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, ये दिया गया, थोड़ा सा लंबा है, बहुत सिंपल है, उसी प्रकार लगेगा। पहले हम क्या चेक करते हैं, ये हमारी क्या हो जाती है, इसकी वैल्यू, या टोटल यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, या इतना पूरा, क्लियर। पहले तो ये चेक कर लेते हैं वो ये क्या है, होमोजीनियस वाला फॉर्म अगले वीडियो आएगा। पहले ये चेक करते हैं कि एग्जैक्ट है, अगर एग्जैक्ट होगा डायरेक्ट हम लगा देंगे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो, तब हमको भाग इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं निकालना है, अगर नहीं होगा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा, तब इसमें रखेंगे। मेथड वही है, सिंपल था। चलिए पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं, डेल एम अपान डेल वाई निकालेंगे, और इधर डेल एन अपान डेल एक्स, ये तो निकालते हैं ना, डेल एम अपान डेल वाई और डेल एन अपान डेल एक्स। देख लेते हैं डेल एम अपान डेल वाई क्या होंगे, यम क्या है हमारा, इतना पूरा लिख लेंगे, डेल अपान डेल वाई, यम क्या हमारा एक्स क्यूब, वाई गुणा कर लीजिए, वाई पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई, ये हमारा वाई। इसका जब करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो y वाला हमारा किया जाएगा, x वाला हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। y पावर 4 का क्या होगा, y पावर 5.5। वैसे देख रहे हैं ये माइनस में आएगा, ये प्लस में आएगा, बराबर नहीं आएगा, कभी नहीं आ ही नहीं सकता, कैसे नहीं आएगा, देख लीजिए, x क्यूब x पावर 4 हो गई है, y क्यूब माइनस x पावर 3 वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स बराबर आएगा, ये माइनस में आएगा, ये प्लस में आएगा, कहाँ बराबर आएगा, नॉट एग्जैक्ट, नॉट एग्जैक्ट करके आप लोग देख लीजिए, ये एग्जैक्ट नहीं होगा क्योंकि ये प्लस में है वो माइनस में, ठीक। जब ये एग्जैक्ट नहीं होते क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, अल ये चेक करते हैं एग्जैक्ट है नहीं, बिना एग्जैक्ट चेक किए आप कैसे निकालेंगे, नहीं तो एग्जैक्ट चेक, अगर नहीं एग्जैक्ट हो जाते हैं तो हम क्या लगाते हैं डायरेक्ट, जैसे एक्सरसाइज 7 पूरा हल किए थे वैसे कर लेंगे। इसमें देखिए जैसे हम बता रहे थे एक्सरसाइज 8 के पूरे क्वेश्चन हल हो जा पाएंगे, कोई कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक्सरसाइज जो 8 और 9 है वो एक दूसरे से रिलेटेड है टोटल। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, सिंपल सा क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ क्या होता है, 1 अपान यम एक्स माइनस यम वाई, वन अपान यम, या यम क्या है, ये एक्स क्यूब वाई क्यूब, वाई पावर 4 होगा ना, वाई से गुणा होकर के वाई पावर प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू एक्स माइनस, बहुत लंबा जा रहा है ये तो, बट सिंपल है, x का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा, x पावर 4 y क्यूब माइनस x क्यूब y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर y प्लस x, अब क्या है y, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलेगा इसका, ठीक, किसी को प्रॉब्लम। चलिए अब देखते हैं क्या होगा इसके बाद, इसके बाद वही सिंपल से मेथड लगा देंगे अपना, पूरा सॉल्व कर लीजिए, एक्स का एक्स में इसमें करेंगे क्या हो जाएगा, ये पूरा बटा लीजिए, अब इसमें एक्स का भी मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स पावर 4 वाई पावर 4 एक्स क्यूब वाई क्यूब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, वाई एक्स भी लिख सकते हैं माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें एक्स पावर 4 वाई पावर 4 माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब, क्योंकि वाई गुणा हो जाएगा वाई क्यूब हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा एक्स वाई से मर गया खत्म। अब देख रहे हैं एक्स पावर 4 वाई पावर 4 ये भी गया काम से, क्लास बचा क्या, एक्स क्यूब वाई क्यूब एक्स क्यूब वाई क्यूब टू एक्स क्यूब वाई क्यूब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसमें से क्या कॉमन हो रहा है दोनों में, वन अपान टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन हो रहा है, तो कॉमन कर लेंगे इधर क्या बचेगा, एक्स वाई बचेगा
इधर क्या चाहिए प्लस वन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा ये आ गया आई एफ, अब हम इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, नोट कीजिए, नोट कर लिए। चलिए इसे इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लीजिए, लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय दिस इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाएगा, अगर हम इसमें क्या करें ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, ठीक, वाई तो हमारा है ही, वाई हमारा टोटल वाई डी एक्स, अगर हम एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन करें क्या बचेगा हमारा, एक्स वाई प्लस वन बचेगा, प्लस हमारा क्या बचा है एक्स वाई प्लस वन बचाइए, और सबका बटा क्या हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो अलग अलग बटा कर देते हैं, टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई प्लस वन, एक्स वाई प्लस वन, ये बीच में प्लस लगा है इसका भी बटा वही कर देते हैं, या फिर बात पूरे बटा कर दीजिए उसके बाद इस प्लस में, फिर प्लस इसमें भी वही काम करेंगे, टोटल का एक्स डी वाई तो है ही हमारा, डिवाइड बाई किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नीचे ही मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक, टू एक्स स्क्वायर क्योंकि वन अपान है वाई स्क्वायर एक्स वाई प्लस वन, यहाँ पर अगर हम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या करें कॉमन कर लें तो इसमें से मिल रहा है क्या बचेगा एक्स वाई माइनस वन, ये क्या बचेगा हमारा माइनस कॉमन कर लें तो क्या बचेगा एक्स वाई माइनस वन। किसी को कोई प्रॉब्लम हुई, समझ में आया, क्लियर हुआ, चलिए आगे देखते हैं, या तो इस प्रकार लिखो इसको, अगर हम इस इक्वेशन को इस प्रकार लिख लेते हैं और जल्दी सॉल्व हो जाएगा हमारा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस वन एक तरफ कर लीजिए, एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस वन एक ब्रैकेट में, दूसरे के ब्रैकेट में अगर हम माइनस एक्स वाई अगर इसमें कॉमन कर लें क्या बचेगा एक्स वाई प्लस वन बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू जीरो, ये वन अपान टू कॉमन लेकर उधर कर लेंगे जीरो, टोटल जीरो हो जाएगा। अब देखेंगे क्या होगा, यहाँ पर एक्स वन पॉइंट टू कॉमन यहाँ से होगा, दोनों कॉमन होगा, दो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो जीरो हो जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं एक्स वाई प्लस वन मिल रहा है, बाहर कर लीजिए एक्स वाई प्लस वन, क्या अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वन, ये तो बचेगा वन, डिवाइड बाई टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अंदर एक्स वाई प्लस वन, एक्स वाई प्लस वन का सिर्फ, और ये जो था टोटल का टोटल किसका मल्टीप्लाई था वाई डी एक्स का टोटल, प्लस ये देख रहे हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब फार्मूला बन रहा है हमारा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी पहले ब्रैकेट में, ये हमारा एक्स वाई है प्लस वन, दूसरे ब्रैकेट में लिखे क्या लिखेंगे ए स्क्वायर अर्थात एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए बी अर्थात एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर अर्थात वन के स्क्वायर वन ही होगा हमारा, दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा माइनस एक्स वाई एक्स वाई प्लस वन, हमारा ये तो बचा ही है, डिवाइड बाई टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई प्लस वन, यहाँ पर क्या बचा है हमारा एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो, वो वैल्यू दिख रही है हमारे, बढ़िया से दिख रही है आप लोगों के, अब दिख रही होगी। चलिए अब हम क्या करते हैं सिंपल सा, ये हमारा क्या बचा है एक बार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान इतना कर देते हैं, टू वाला तो हमारा जनरली वहां पर जाकर जीरो हो जाएगा, क्या बचेगा एक बार एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वन अपान बचेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये टू कट कट जाएगा, बार बार बता रहे हैं वाई डी एक्स, ये कट गया प्लस, इधर भी देखेंगे इधर भी एक्स वाई प्लस वन बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बच जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वन और माइनस एक्स वाई, यही तो बचेगा हमारा अपान टू एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वन, एक्स वाई प्लस वन कैंसिल हो गया, ये किसका पूरा का मल्टीप्लाई किसका था
dx into dy इक्वल टू जीरो। समझ वैल्यू आ रही है, ध्यान लगा समझिएगा, थोड़ा सा बड़ा हो रहा है बस क्वेश्चन, थोड़ा सा। यहाँ तक अब सबको क्लियर हो चुका होगा, यहाँ तक एकदम क्लियर, किसी को कोई दिक्कत तुरंत बताइए, नहीं दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर क्या बचा हमारा, y dx, ओ सॉरी ये तो वन हमारा बचा ही है, तो वन में जब y dx मल्टीप्लाई करेंगे क्या बचेगा, y dx प्लस यहाँ बचेगा y dx अपान x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस इसमें क्या बचेगा हमारा, x स्क्वायर y स्क्वायर अपान x स्क्वायर y स्क्वायर करेंगे वन बचेगा, अर्थात x dx x dy माइनस ये एक्स वाई कट जुड़ के टू एक्स वाई हो जाएंगे, ये टू हमारा कट गया है, जनरली टू हमारा उधर जाकर जीरो हो गया, ये टू कट जाएगा, तो टू ये टू एक्स वाई हो गए हैं, टू एक्स वाई अपान जब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, टू एक्स वाई अपान एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कितना आएगा, ये बचेगा x का मल्टीप्लाई जब इसमें कर देंगे तो ax स्क्वायर हो जाएगा और dy लिख जाएगा, ठीक। अब क्या बचा, माइनस तो सॉरी प्लस वन, वन अपान x स्क्वायर y स्क्वायर, ये वन से मल्टीप्लाई कर देंगे x में तो x dy बचेगा। अब हम आगे क्या लिख सकते हैं, y dx है x dy है, क्या लिख सकते हैं, y dx प्लस एक्स डी वाई लिख सकते हैं, और यहां पर देख रहे हैं वाई डी एक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर वाई पाँच एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और क्या मिल रहा है एक्स डी वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसको और इसको एक टर्म, एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक। इसको और इसको एक टर्म ले लीजिए, क्या बच जाएगा हमारा, नीचे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, जनरली आ जाएगा हमारा प्लस, कॉमन कर लीजिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पर क्या है वाई डी एक्स, यहाँ पर क्या है प्लस एक्स डी वाई, ये भी हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया, बचा है हमारा ये माइनस, ऊपर कुछ नहीं बचा, नीचे अपान वाई बचा, टू अपान वाई, टू अपान वाई डी वाई इक्वल टू जीरो। इतना नोट कीजिए फटाफट से, फटाफट नोट कर लीजिए, समझ में आया, चलिए इसके बाद देख रहे हैं हमारा डायरेक्ट सिंपल, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन अर्थात डी ऑफ वाई एक्स या एक्स वाई प्लस फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, यहां पर भी क्या हो रहा है, अरे वाई डी एक्स का अवकलन प्लस एक्स वाई का अवकलन, यही तो बता रहा है, क्या हो जाएगा हमारा डी ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक और एक्स वाई इससे कटेगा माइनस टू अपान वाई डी वाई इक्वल टू जीरो, ये क्या बचेगा हमारा डी ऑफ वाई एक्स प्लस एक एक्स वाई कट जाएगा, क्या बचेगा डी अपान एक्स वाई माइनस टू अपान वाई डी वाई इक्वल टू जीरो, ले लेंगे इंटीग्रेटिंग, जब इंटीग्रेटिंग करते हैं इसका मतलब समाकलन करते हैं तो क्या होता है, ये हमारा वाई था, समाकलन करते हैं तो इसका ये डिफरेंशिएशन का चिन्ह दिख रहा है डी डी अपान और डी वाई, ये क्या हमारा डिफरेंशिएशन चिन्ह दिख रहा है, ठीक, ये क्या हमारा डिफरेंशिएशन। अब इसको जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो क्या हो जाता है, हट जाता है, इंटीग्रेट करते हैं डी वाला हटेगा क्या बचेगा वाई एक्स, ये वाला भी है डी एक्स रहता है उसमें पूरा रहता है तो डी अपान एक्स वाई होता है, ये भी हट जाएगा वन अपान एक्स वाई, क्लियर, समझना कैसे हुआ ये वाला, चलो एक चीज मिस्टेक हो रहा है, ये क्या होगा हमारा डी ऑफ एक्स वाई के रिस्पेक्ट में इसका करना है तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऊपर जाएगा, एक्स वाई का पावर माइनस टू हो जाएगा और डी ऑफ एक्स वाई के रिस्पेक्ट में करना है, माइनस हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन में माइनस टू प्लस वन अपान माइनस टू प्लस वन, यहाँ पर आएगा माइनस वन अपान एक्स वाई, फिर माइनस टू अपान वाई है टू रहेगा ही वन अपान वाई का लॉग वाई इक्वल टू सी, ये हमारा आंसर है, ये इसलिए होता है जब ये हमारा एक्स वाई के रिस्पेक्ट में करना है अर्थात एक्स वाई पावर माइनस टू होगा तो
फिर एक्स वाई पावर माइनस टू है तो माइनस टू प्लस वन अपान माइनस टू प्लस वन, इंटीग्रेशन करने के बाद एक्स वाई पावर माइनस वन अपान माइनस वन, ये क्या हो जाएगा माइनस वन और रहेगा ये अपान एक्स वाई नीचे आ जाएगा, वही कह रहे हैं। ठीक समझ में आया, वैसे क्वेश्चन बहुत अच्छा था, नोट कर लीजिए, यही तक नोट करना है आपको, ये वाला पहले से ही था हमारा, नोट कर लीजिए फटाफट नोट कर लिए। चलिए तो अगला वीडियो हम ले आएंगे होमोजीनियस फॉर्म, यदि होमोजीनियस फॉर्म रहेगा तो कैसे होगा, यदि होमोजीनियस नहीं रहेगा तो उसके लिए दो कंडीशन होती है, वो कौन कौन सी कंडीशन लगेगी, तो एक्सरसाइज 9 भी आप हल कर लेंगे, फिर हम बात करेंगे एक्सरसाइज 10 के बारे में। इस दो क्वेश्चन देखने का तीन मेथड देखा है, तो आप देखने के बाद पूरी एक्सरसाइज हल कर लेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं क्योंकि मेथड ही मायने रखता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में का इंतजार कीजिए बढ़िया से।